रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा और भाईचारे का त्योहार है। ये बहनों के लिए अपने भाइयों के प्रति अपना प्यार और चिंता व्यक्त करने का दिन है और भाइयों के लिए अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा करने का दिन है। ये त्योहार परिवार और दोस्ती का बंधन है। ये त्योहार एक प्रतीक है। बताते चले कि यह त्योहार परिवार और दोस्ती के बंधन को मजबूत करने का भी एक तरीका है। वहीं बताते चले कि पंडित मदन कौशिक ने हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को सुबह 3:04 पर होगी और इस तिथि का समापन 19 अगस्त को मध्य रात 11:55 पर होगा। वहीं रक्षाबंधन का महत्व बताते हुए कहा कि एक अन्य लोकप्रिय कथा राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कहानी है। राजा बलि एक शक्तिशाली राक्षस राजा थे। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। हालांकि वो भी भगवान विष्णु का भक्त था। वो भगवान विष्णु से जो कुछ भी चाहता था उसे देने का वादा किया था। भगवान विष्णु ने बाली से राज्य मांगा लेकिन बाली ने इसे इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के महल में गए। उन्होंने राजा बलि से भिक्षा मांगी और राजा बलि ने उन्हें अपना हाथ दे दिया। तब ब्राह्मण महिला ने राजा बलि को कलाई पर राखी बांधी और राजा बलि उनकी रक्षा करने के लिए अपने वचन से बंध गए। ये विश्वास और प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्यौहार है। ये त्यौहार हर साल श्रावण मास में पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही अपने भाई और अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार मात्र नहीं है, ये भाई और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है। ये त्यौहार केवल भाई बहन के बीच ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। श्रावण मास चल रहा है और इसका समापन रक्षाबंधन के पवित्र पर्व के साथ होगा। हर साल यह त्यौहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है जो कि इस वर्ष 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को पड़ रहा है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते के लिए भी खास है और इसका इंतजार दोनों को ही साल भर रहता है। ये वो खास दिन है जो कि जब बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा कवच यानी कि राखी बांधकर उसके सुखी जीवन की कामना करती हैं। आपको बता दें, राखी बांधने से पहले बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, लेकिन कई बहनें जानकारी के अभाव में तिलक गलत तरीके से लगाती हैं। वहीं तिलक लगाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही आप किस उंगली से तिलक कर रही हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं तिलक से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। ज्योतिषचार्य के अनुसार भाई के माथे पर तिलक लगाते समय महत्वपूर्ण ये है कि आप तिलक के लिए किस उंगली का चयन कर रही हैं। यदि बड़ा भाई है तो बहन छोटी तो कनिष्ठ उंगली से तिलक करना चाहिए। ये वही उंगली है जिसे रिंग फिंगर के नाम से जाना जाता है और इसी में सगाई की अंगूठी भी पहनाई जाती है। और यदि अगर आपका भाई छोटा है और बहन बड़ी है तो अंगूठे से तिलक करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब बहन रक्षाबंधन के दिन तिलक के लिए सही उंगली का चयन करती है तो उसके भाई के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब बहन कनिष्ठ उंगली से बड़े भाई का तिलक करती है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपका इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट स्पिरिचुअल।